देखिए जो न्यू टॉपिक है आज एन नाइट्रोजन परिवार में वो है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल को H3PO4 से प्रदर्शित करते हैं और इसके बनाने की विधि क्या है, हमने आपको इसको सफेद फास्फोरस के वीडियो में बताया है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे। तो ये P4 क्या है, सफेद फास्फोरस और इसकी क्रिया हमने नाइट्रिक अम्ल से कराया था, HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल से करा दिया और एरो खींचा, वहां पर हमने बनाया था H3PO4। इसको बोला था, देखो ये क्या वही चीज बन गई कि नहीं बन गई, क्या नाम है, आर्थो फास्फोरिक अम्ल। कई बार बहुत सी रिएक्शनें रिपीट होंगी तो ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में पढ़ा था इसे, साथ में NO2 बनेगा। N को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, दो को क्या बोलेंगे, O को क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। नाम पढ़ने का तरीका, N को बोला नाइट्रोजन, दो को बोला डाई, O को बोला ऑक्साइड और बचा कुचा H2O। बैलेंस की रही बात तो कितने पी हैं यहाँ, यहाँ क्या दिख रहे हैं, चार लगा लिया। आप देखो यहाँ पर H देख लो, 4 3 12 और 12 तो कितने हो गए, मेरे ख्याल से यहाँ 20 लेने पड़ेंगे और लिया भी 20 था। हमको याद है आज भी कि 20 हमने कहा था, इसको थोड़ा सा दिमाग में ज्यादा रखना क्योंकि बड़ा बैलेंस है। यहाँ पर N कितने हो गए, अब यहाँ कितने N लिखे हुए हैं, एक। आगे कितना लगा दे बेटा, 20 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एच देखो, एच कितने, 20 है। अब यहाँ हम 4 3 कितने यूज कर चुके हैं, 12। 4 लगा दें, 4 2 8 और 4 3 कितना होता है, अब 12 8 कितने होते हैं, पक्का 19 होते हैं कि 20 होते हैं। अच्छा अब देखो मेरी बात को, ओ देख लो, 20 यहाँ कितने होते हैं, 60। इधर भी 60 होने चाहिए, 4 चौक और 20 2 40 और ये 4 60 हो गया, तो 16 4 तो 20 हो गए और 40 ये हो गए, कितने हो गए, जब वो बैलेंस सब बैलेंस। तो ये रिएक्शन हम आपको वहां सफेद फास्फोरस में पढ़ाए तो ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वहां के लिए भी, और 2016 में आई थी, इंपॉर्टेंट है। सफेद फास्फोरस की क्रिया किससे कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो क्या प्राप्त होगा, आर्थो फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वह क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। नोट कर लीजिए, देखिए रासायनिक गुण में अगर पहली जो रिएक्शन है आपके सामने क्या है, जलन बोल दिया क्या है कि जलन जलन तो फीमेल में ज्यादा होती है, यहाँ आ जाओ जलन। जलन का मतलब क्या है भैया, ध्यान दो, H3PO4 क्या होता है, आर्थो फास्फोरिक अम्ल, और इसको हम लमसम 250 नहीं, ज्वलन का मतलब यहाँ डायरेक्ट जला रहे, कितने डिग्री में जलाएंगे, 250 डिग्री में जला देंगे। और यहां से क्या होगा, ध्यान देना बेटा, 2 लगा दिया ऑलरेडी, मैंने 2 लगा दिए तो यहां से 2 3 6 हो गए ना बच्चे, तो 2H निकाल लिया और 2 चक्को कितने होते हैं, 12। वाह, आरती आरती लाओ, शेष सजाओ, इनको पूजो, 2 चक्को 8। 8 में से एक ओ निकल गया, जल बन गया। अब कितने यहाँ पर बताओ एच बचे, 2 यूज कर चुके हैं और 2 3 6 है और 2 यूज कर चुके हैं, कितने बचे, 4 4 4। पी कितने हैं, 2। पी कितने हैं, 2। और ओ कितने हैं, 1 यूज कर चुके हैं, भैया गुणा कर लेना, 2 चौक 8। 8 में 1 यूज कर लिया तो कितना बचा, 7। फिर से समझिए, 2 लगाने का मैटर क्या है, तो सर जी करा नीचे नहीं लगा सकते, अरे सुन कहां नीचे नहीं लगा सकते, नीचे लगा रहे हो, कहां नीचे लगा रहे हैं भाई, वो 7 आगे लगाओ चाहिए।
महाराज यो कब का है, बैलेंस थोड़ी कर रहे हैं, ऑलरेडी वो सूत्र है, अभी बैलेंस कहाँ किया, दिखा रहे हैं। देखो दो तीया छह, अभी बता रहे हैं, दो तीया कितना है, छह, छह में दो एच यूज कर लिए हैं और दो चुको आठ, आठ में एक क्या यूज कर लिया, ओ जल निकाल दिया। अब दो तीया छह में जब दो एच निकाल चुके हैं तो कितने बचे हैं, पी कितने हैं, दो, ओ कितने हैं, दो चुको आठ में एक यूज कर चुके कितने बचे, इसका नाम है पाइरो फास्फोरिक अम्ल, हाँ पाइरो फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, पाइरो फास्फोरिक अम्ल बन गया। अगर इसी पाइरो फास्फोरिक अम्ल को आप 600 डिग्री में गर्म कर दो तो देखो, ध्यान दो सभी लोग, इधर उधर चक्कर मक्कर ना करो, H4P2O7 ये क्या है, पाइरो फास्फोरिक अम्ल। अब इसको हमने कितने डिग्री में गर्म करना है भैया, 600, क्या बनेगा, यहां देखो ये HPO3 निकल गया, इसका नाम बता सकते हो, बताओ इसका नाम बता, और साथ में क्या बनेगा, H2O, इसका नाम कई बार बताया तिवारी, बहुत पढ़े लिखी हो, मेटा बताया है, इसीलिए हम थोड़ा किताब की ओर झांक लिया ताकि कंफर्म हो जाए कि गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये H3, देखो भाई H3PO4 क्या है, आर्थो फास्फोरिक अम्ल, H3PO3 क्या है, आर्थो फास्फोरिक अम्ल, और HPO3 क्या है, मेटा फास्फोरिक अम्ल, समझ में आया, कई बार बताया बेटा। आप देखो यहाँ H कितने हैं, और क्या है यूज कर चुके हो, बस दो लगा दो, देखो सब बैलेंस हो जाएगा, क्या वो है बेटा, सात है कि नहीं है त्रिवेदी, देखो सात होना चाहिए, दो तीया छह क्या हो गए, तो आप क्या लिखोगे, आर्थो फास्फोरिक अम्ल को अगर 250 डिग्री में गर्म करते हो 250 डिग्री में, तो पाइरो फास्फोरिक अम्ल हुआ क्या बनेगा, जल। अब पाइरो फास्फोरिक अम्ल को उठाया देखा और क्या हुई, जला के देख लो, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपकी, 100 डिग्री में काम नहीं चला, 200 में नहीं चला, 250 में नहीं चला, तो और बढ़ाया, कुछ नहीं हो रहा, जब तक टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, देखा क्या होगा, जैसे ही देखा 600 के करीब ये पहुंचे, तुरंत टूट गए, किसमें टूट गए, मेटा फास्फोरिक अम्ल में, और किसमें टूट गए, जल में, बात समझ में आ गई, तो इसकी हिंदी आपको खुद लिखनी है, चलिए नोट करिए।